हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डाणे एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने द्विनिषेचन और त्रिकसलयन की जो प्रक्रिया थी, यानी डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, ये तीन दोनों जो चीज़ें हैं हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भ्रूण पोष के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम आज? भ्रूण पोष के बारे में। देखिए, जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भ्रूण पोष को इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है। लास्ट क्लास में जब हमने द्विनिषेचन और त्रिकसलयन की प्रक्रिया पढ़ी, उसमें हमने देखा था कि ये भ्रूण पोष का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो एक बार फिर से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि भ्रूण पोष का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष, उसमें क्या क्या संरचनाएं होती है। भ्रूण कोष में सबसे नीचे की यानी कि अंड द्वार जो है, उसकी तरफ क्या होता है, अंड कोशिका होती है और दो सहायक कोशिका होती है। बीच में ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जिन्हें हम द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में फ्यूज होकर द्वितीय केंद्र का निर्माण करते हैं। और ऊपर की तरफ क्या होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या होती है? प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब हमने पढ़ा था कि जब पराग नलिका आती है और भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, तब इस पराग नलिका के थ्रू जो है दो नर युग्मक आते हैं, दो नर युग्मक आते हैं। दोनों नर युग्मक इस पराग नलिका के साथ साथ किसमें प्रवेश कर जाते हैं? इस भ्रूण कोश में। किसमें? भ्रूण कोश। ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश जो है उसका निर्माण अब होगा, भ्रूण कोष में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक नर युग्मक तो जाएगा इस सहायक कोशिका से होता हुआ इस अंड कोशिका में। सहायक कोशिका से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? अंड कोशिका में। और अंड कोशिका में जो मादा युग्मक है उसके साथ ये संलयन करके, यानी उसके साथ ये फ्यूज होकर क्या बना देगा? जायगोट। जायगोट यानी कि युग्मनज, युग्मनज, जायगोट बना देगा, ठीक है। और दूसरा जो नर युग्मक होगा वो भी यहां से पराग नलिका के थ्रू अंदर प्रवेश करके कहां चला जाएगा? इन दो जो केंद्रक है, ध्रुवीय केंद्रक है, इन दोनों के पास चला जाएगा। दो केंद्रक पहले ही होते हैं और तीसरा केंद्रक और चला जाता है, तो ये कितने केंद्रक बनाते हैं? तीन केंद्रक, यानी ट्रिपल एल, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं? त्रिगुणित भ्रूण कोष, या भ्रूण कोष का तो अब निर्माण होगा। तो यहाँ पर जब ये तीनों केंद्रक आपस में मिलते हैं तो इनसे किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोष का निर्माण होता है। भ्रूण कोष तो ये पूरी की पूरी संरचना है, अब इसमें होता है भ्रूण कोष का निर्माण। और हमने ये बात की थी क्योंकि दो बार यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो रही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। और इसके बीच में यानी कि ये जो तीनों केंद्रक मिल रहे हैं तो यहाँ पर 3N बन रहा है, त्रिगुणित, त्रिगुणित भ्रूण कोष बन रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ बात कर ली थी कि जो ये त्रिगुणित भ्रूण कोष जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। अब आवृत बीजी पादपों में तो इस प्रकार से इसका निर्माण होता है, और जो अनावृत बीजी पादप होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें निषेचन से पहले ही भ्रूण कोष का निर्माण हो जाता है। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, उससे पहले ही उनमें भ्रूण कोष बन जाता है। और वो भ्रूण कोष किस प्रकार का होता है? तो वो भ्रूण कोष होता है अगुणित, क्योंकि वहां पर निषेचन हो ही नहीं रहा है, निषेचन की क्रिया हो ही नहीं रही है, इसलिए वो कैसा हो जाएगा? अगुणित भ्रूण कोष हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है भ्रूण कोष के प्रकार और उसके कार्य। भ्रूण कोष के तीन प्रकार होते हैं, ये तीन प्रकार का भ्रूण कोष होता है। कौन कौन से होते हैं? तो अब हम देखते हैं कि जो भ्रूण कोष है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो आपको सामने चित्र देखकर पता चल ही गया होगा कि भ्रूण कोष के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है केंद्रकीय भ्रूण कोष, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केंद्रकीय भ्रूण कोष। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूण कोष, कोशिकीय भ्रूण कोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूण कोष, हेलोबियल को इंग्लिश में भी हेलोबियल ही कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रकीय भ्रूण कोष की। केंद्रकीय भ्रूण कोष कैसा होगा? नाम से पता चल रहा है केंद्रकीय, यानी इसमें केंद्रकों का निर्माण
होगा, सभी में होगा केंद्रकों का निर्माण, लेकिन इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है इन सभी में से? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि हमने पढ़ा कि बीच में जो वो त्रिगुणित केंद्रक का तीन केंद्रक होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, डिविजन होगा। विभाजन से बहुत सारे क्या बन जाएंगे, केंद्रक बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। और वो केंद्रक कहाँ चले जाएंगे, अनेक केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और वो केंद्रक कहाँ चले जाते हैं, इस परिधि की ओर। देखिए, ये सारे जो केंद्रक होंगे वो परिधि की ओर चले जाएंगे, सारे केंद्रक परिधि की ओर चले जाएंगे, तो बीच में खाली स्थान बच जाएगा, यानी बीच में किसका निर्माण हो जाएगा, एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर सिर्फ केंद्रकों का ही निर्माण होता है, इसमें कोशिका भित्ति इनके साथ साथ नहीं बनती है, इस वजह से इनको कहा जाता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ केंद्रक ही बनेंगे, इसमें केंद्रक बनने के बाद जब सभी परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, उसके बाद इनके चारों ओर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। अगर किसी केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो रहा है, तो अब ये क्या बन गई, कोशिका बन गई। तो अब इनसे क्या हो जाएगा, कोशिका का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से इनके चारों ओर क्या बन जाएगी, कोशिका भित्ति बन जाएगी। लेकिन कोशिका भित्ति जब ये केंद्रकों का निर्माण हो रहा है, न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हो रहा है, तब इनके साथ में कोशिका भित्ति नहीं बन रही है, इसलिए इसे केंद्रकीय भ्रूणपोष कहा जाता है। अब अगर हम इसका उदाहरण देखें, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल का पानी। क्या है, नारियल का पानी। नारियल के पानी में भी क्या होते हैं, इस प्रकार से केंद्रक जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा नारियल का पानी। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रकीय भ्रूण पोष का उदाहरण दीजिए, तो क्या उदाहरण हो जाएगा, नारियल का पानी उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिकीय भ्रूण पोष। अब यहाँ पर बात आ रही है कोशिकीय, वहां पर केंद्रकीय, यहाँ कोशिकीय। नाम से ही पता चल गया है कोशिका, यानी कि इसके जब केंद्रक का निर्माण जब होगा, इनमें क्या होगा, फिर से वही प्रक्रिया होगी कि ये जो तीनों चीजें, तीनों केंद्रक जो है फ्यूज हुए थे, जिससे भ्रूण पोष का निर्माण हुआ था, उस भ्रूण पोष में डिवीजन होगा, विभाजन होगा, जिससे बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। केंद्रकों का निर्माण तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जब केंद्रक बनते जाएंगे, उसके साथ साथ ही क्या होगा, इसमें कोशिकाओं का निर्माण, ये जो है ये कोशिकाएं, इस प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण होता जाएगा, जिससे ये क्या बनती जाएगी, कोशिकाएं बनती जाएगी। ठीक है, उसमें तो सिर्फ केंद्रक बन रहे थे, केंद्रक सभी बन गए, परिधि की ओर चले गए, उसके बाद में कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ उनके चारों ओर। यहाँ पर केंद्रक बनते जाएंगे, साथ साथ कोशिका भित्ति भी बनती जाएगी, यानी एक पूर्ण रूप से कोशिका का निर्माण हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इनके बाहर की तरफ इस प्रकार से चूषकांग लग जाते हैं। अभी चूषकांग का हम कार्य पढ़ेंगे, जब भ्रूणपोष के हम कार्य पढ़ेंगे कि इनका क्या कार्य होता है, तो इस प्रकार से इसके बाहरी कोशिका भित्ति की तरफ क्या हो जाते हैं, चूषकांग उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि कोशिकीय भ्रूणपोष का अच्छा सा उदाहरण क्या है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो देखिए कि गेमोपटेली वर्ग के सदस्य जो होते हैं, गेमोपटेली वर्ग के जितने भी सदस्य होंगे, उसमें किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाएगा, कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाएगा। जैसे हम इसका उदाहरण और ले तो वर्बेस्कम इसका अच्छा उदाहरण होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हेलोबियल, इसको इंग्लिश में भी हेलोबियल ही कहा जाता है। अब हेलोबियल किस प्रकार का भ्रूणपोष है, तो यहाँ पर देखिए कि जब इसमें डिवीजन होगा, भ्रूणपोष का जो केंद्रक होगा उसमें जब डिवीजन होगा, तो क्या बनेगी, दो कोशिकाएं बनेगी। एक बनती है ये छोटी कोशिका, एक छोटी कोशिका, और एक बनती है ये पूरी की पूरी बड़ी कोशिका। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो है बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। जो छोटी कोशिका होती है वो निभाग की तरफ होती है, निभाग की ओर, और जो बड़ी कोशिका होती है वो अंड कोशिका या अंड द्वार की तरफ होती है, अंड द्वार की तरफ होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान रखिएगा, जो हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो इन दोनों के जैसा है, इन दोनों से ये समानता दर्शाता है। मतलब इन, हम ये कहेंगे इनके बीच ही कड़ी है ये, इनमें कोशिका केंद्रक भी बनेंगे, कोशिकाएं भी बनेगी। कैसे बनेगा कि ये जो छोटी जो कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, केंद्रकों का निर्माण होता जाता है, केंद्रकों का निर्माण होता है, और उनके चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, केंद्रक बनते जाएंगे इस प्रकार से।
तो हमने जब पहले केंद्रकीय भ्रूणपोष पढ़ा उसमें भी यही हो रहा था कि उसमें केंद्रक बनते जा रहे थे, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा था, कोशिका भित्ति लास्ट में बनी थी, यानी कोशिका का निर्माण लास्ट में हुआ था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, केवल और केवल केंद्रकों का निर्माण होगा, दो कोशिकाएं विभाजित हुई, छोटी कोशिका में क्या होगा, केवल केंद्रक बनेंगे, और जो बड़ी कोशिका होती है जो कि अंडद्वार की तरफ होती है उसमें कोशिका का केंद्रक का निर्माण तो होगा, साथ साथ उसमें कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता जाएगा, किसकी तरह, कोशिकीय भ्रूणपोष की तरह। तो ये इन दोनों के बीच की कड़ी हुआ, या इन दोनों के बीच का हुआ कि जैसे इसके गुण और उसके गुण, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों की ही समानता दर्शाता है, ये दोनों से समानता दर्शाता है। केंद्रकीय भ्रूणपोष की तरह इसमें भी छोटी कोशिका केंद्र केंद्रकों का निर्माण होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। कोशिकीय भ्रूणपोष की तरह बड़ी कोशिका के अंदर क्या होगा, केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होगा। तो हेलोबियल को, हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो दोनों भ्रूणपोष से क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है। अब हम इधर इसका उदाहरण की बात करें तो इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एक बीज पत्री पौधों के हेलोबियल गण के सदस्य, एक बीज पत्री जो पौधे हैं उसके हेलोबियल गण के जितने भी सदस्य होंगे उनमें किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाएगा, तो हेलोबियल भ्रूणपोष उसमें पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो भ्रूणपोष है उनके क्या क्या कार्य हैं। देखिए कल हमने जब क्लास ली थी, कल की क्लास में भी हमने ये चर्चा की थी कि जो भ्रूणपोष होता है वो कार्य क्या करता है। तो वैसे तो भ्रूणपोष के नाम से ही पता चल रहा है कि भ्रूण को पोषण देने वाला, भ्रूण किससे बनेगा, भ्रूण युग्मनज से बनेगा, तो देखिए कि भ्रूण पोष के अगर हम कार्य की बात करें तो भ्रूण पोष का कार्य क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष, भ्रूण को पोषण देने वाला। तो फर्स्ट तो ये कि ये युग्मनज, ये युग्मनज से बनने वाले, युग्मनज से आगे, युग्मनज जो होता है, जायगोट जो होता है आके डेवलप करके क्या बनाता है, आगे बनाता है वो भ्रूण, क्या बनाता है, भ्रूण। तो भ्रूण पोष का एक तो कार्य यही हो जाएगा कि ये इसको क्या करेगा, पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा। दूसरा, हमने अभी कोशिकीय भ्रूण पोष पढ़ा, उसमें हमने देखा कि इसके बाहर की ओर चूषकांग उत्पन्न हो जाते हैं, ये हमने इस प्रकार की संरचना पढ़ी कि इस प्रकार से इसके अंदर चूषकांग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वो चूषकांग क्या करेंगे, इसके बाहर की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उससे ये चूषण का कार्य करेंगे, भोजन के चूषण का कार्य करेंगे। भ्रूणपोष जो होता है उनकी कोशिकाओं में जितने भी प्लांट के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, जो भी उनके लिए आवश्यक जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होता है ये इसकी कोशिका के अंदर, भ्रूणपोष की कोशिका के अंदर, ये भ्रूणपोष की कोशिका के अंदर ये होता है, यानी कि उसके अंदर इनका जो है भ्रूणपोष के अंदर जो है इनकी भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो उचित मात्रा में उनमें पाया जाता है, और वही किसको दे दिया जाता है, भ्रूण को या युग्मनज को, पोषण के लिए प्रदान कर दिया जाता है। और चूषकांग क्या कार्य करेंगे, इनके बाहर की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनसे पोषण को चूसने का कार्य करेंगे। तो ये होते हैं भ्रूणपोष के कार्य। तो आज का हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भ्रूण परिवर्धन। भ्रूण परिवर्धन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर इसको क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण का परिवर्धन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भ्रूण, सबसे पहले कि भ्रूण जो है वो किस प्रकार से बनता है, तो हमने देखा था कि जो अंड कोशिका होती है उसमें नर युग्मक के निषेचन से किसका निर्माण होता है, जायगोट, जायगोट यानी युग्मनज का, और युग्मनज जो है वो आगे डेवलप करता है भ्रूण में। तो उसी भ्रूण का अब हम विकास पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ये ऐसे कौन वैज्ञानिक हुए जिन्होंने भ्रूण परिवर्धन का सर्वप्रथम अध्ययन किया। तो सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है हेन्सटीन। क्या नाम है, हेन्सटीन। इन्होंने सबसे पहले भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया, या भ्रूण परिवर्धन किस प्रकार से होता है ये इन्होंने इन्होंने सबसे पहले इसका अध्ययन किया, ठीक है। और कब किया, तो 1840 के अंदर भ्रूण परिवर्धन का हेन्सटीन ने अध्ययन किया था। किस पादप के अंदर किया, या किस कुल के पादप में किया, तो कुल कौन सा था, क्रूसीफेरी कुल। क्या नाम है, क्रूसीफेरी कुल। इसके द्विबीजपत्री पादप के अंदर, क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप के अंदर किया था। कौन सा पादप, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस।
हैंसटिन ने 1840 में सबसे पहले भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन किया? कौन से कुल के? क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप में, और कौन सा पादप? तो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस। और अभी जो हम भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी हम इसी पादप के अंदर पढ़ेंगे, इसी पादप के भ्रूण का परिवर्तन हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं भ्रूण का परिवर्तन। भ्रूण परिवर्तन जो है किस प्रकार से क्रिया, किस प्रकार की क्रिया है, इसमें किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है भ्रूण का, वो क्रिया अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भ्रूण की। तो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? युग्मनज से। किससे निर्माण होता है? युग्मनज से। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखिए कि भ्रूण जो है, युग्मनज जो है उस वो किससे बना है? तो युग्मनज हम जानते हैं कि मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों जब आपस में मिले थे अंड कोशिका में, जब यहाँ से अंड कोशिका के अंदर जब नर युग्मक आया था और जो मादा युग्मक था, उन दोनों के संयोजन की क्रिया से या निषेचन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ था? युग्मनज का निर्माण हुआ था। अब इसी युग्मनज से आगे जाकर भ्रूण का निर्माण होगा। तो इस युग्मनज से किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है वो अब हम देखते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले जो युग्मनज होगा उसमें एक विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिका? दो कोशिका। एक कोशिका होती है छोटी कोशिका, एक होती है बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका को हम कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका। क्या कहेंगे? शीर्षस्थ कोशिका। और जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम कहते हैं आधारीय कोशिका। क्या कहेंगे? आधारीय कोशिका। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो निभाग की तरफ होती है। शीर्षस्थ जो कोशिका होगी भ्रूण जो युग्मनज की, युग्मनज से जो दो कोशिकाएं बनी है, शीर्षस्थ कोशिका और आधारी कोशिका, उसमें से जो ये शीर्षस्थ कोशिका है वो किस तरफ होती है? वो निभाग की तरफ होती है। किसकी तरफ होगी? निभाग की तरफ। और जो आधारी कोशिका होती है, ये वाली, ये जो आधारी कोशिका है वो किस तरफ होगी? बीजांड द्वार की तरफ होगी। देखिए फिर से समझते हैं कि युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका होती है शीर्षस्थ कोशिका, दूसरी कोशिका होती है आधारीय कोशिका। जो शीर्षस्थ कोशिका होती है वो किस तरफ होती है? निभाग की तरफ होती है। और जो आधारीय कोशिका होती है वो किस तरफ हो जाएगी? बीजांड द्वार की तरफ हो जाएगी। अब क्या होगा, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, शीर्षस्थ कोशिका और जो आधारी कोशिका है, ये दोनों जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर भी फिर से विभाजन होंगे। तो जो सबसे ऊपर की ओर निभाग की तरफ जो कोशिका होती है जिसे हम शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं, इसमें कौन सा विभाजन होता है? इसमें होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। क्या होगा? अनुदैर्ध्य विभाजन। और जो आधार की तरफ होती है या नीचे की बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका होती है जिसे हम आधारी कोशिका कहते हैं, उसमें उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? तो उसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। किस प्रकार का विभाजन होगा? अनुप्रस्थ विभाजन। अब देखिए ये जो दोनों विभाजन होंगे वो साथ साथ चलेंगे, एक ही साथ इनका विभाजन की क्रिया चलेगी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले शीर्षस्थ कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन सी कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे आधारीय कोशिका। तो अभी हम पहले देखते हैं शीर्षस्थ कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाएं बनेगी? एक कोशिका है, उसमें विभाजन से दो कोशिकाएं बनेगी। फिर से इन दोनों कोशिकाओं में विभाजन होगा जिससे कितनी कोशिकाएं बनेगी? चार कोशिकाएं बनेगी। कितनी बनेगी? चार कोशिकाएं। ये दो आपको सामने दिखाई दे रही है और दो इनके पीछे होती है। ये चारों जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम कहते हैं चतुष्टांग, चतुष्टांशक। क्या कहते हैं? चतुष्टांशक। दो कोशिकाएं सामने दिखाई देती है, दो कोशिकाएं इनके पीछे होती है जिसे हम कहते हैं चतुष्टांशक। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो चतुष्टांशक कोशिका है यानी जिसके अंदर कितनी कोशिकाएं हैं? चार। इन चारों में फिर से डिवीजन होगा, यानी कि ये जो चार कोशिकाएं हैं इनमें फिर से डिवीजन होगा, तो कितनी बन जाएगी? आठ कोशिका बन जाएगी। कितनी बनेगी? आठ कोशिका। ये आठ कोशिका जिसमें चार तो हमें सामने की तरफ दिखाई देती है, चार इसके पीछे की तरफ। कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम पढ़ रहे हैं शीर्षस्थ कोशिका। इस आधारी कोशिका को अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। तो आप ये इसके ऊपर वाले इनको देखिए, इन कोशिकाओं को देखिए, सबसे ऊपर की ये वाला हम आधारी कोशिका में पढ़ेंगे। तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार बनी, चार को हम चतुष्टांग कहते हैं। इन चतुष्टांग में पुनः विभाजन के फलस्वरूप कितने कोशिका बनती है? आठ कोशिका, चार सामने चार इसके पीछे, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टांशक कहते हैं। अब देखिएगा
इस अष्टांशक में पुनः विभाजन से, इसमें कौन सा विभाजन होगा? परिणित विभाजन। इस अष्टांशक में कौन सा विभाजन होगा? परिणित विभाजन। इस परिणित विभाजन के फलस्वरूप आठ कोशिकाओं की, एक आठ कोशिकाओं की लेयर बनेगी, एक आठ कोशिकाओं की परत बनेगी, या हम ये कहें कि आठ कोशिकाओं की बाह्य त्वचा बनेगी, ये आपको दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से आठ आठ कोशिकाओं की बनती है, इसमें ज्यादा है लेकिन आठ आठ कोशिकाओं की त्वचा जो है वो बनती है, बाहर की तरफ बनती है, उसे हम कहते हैं बाह्य त्वचा जन। क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा जन कहते हैं। और इसी बाह्य त्वचा जन को कहते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन और बाह्य त्वचा जन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अष्टांशक में परिणत विभाजन के द्वारा क्या बना, बाह्य त्वचा जन का निर्माण हुआ या जिसे हम क्या कहते हैं, डर्मेटोजन कहते हैं। अब ये जो बाह्य त्वचा जन है वो क्या काम करती है? तो ये भ्रूण की बाह्य भित्ति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रूण की बाह्य त्वचा या बाह्य भित्ति का निर्माण करती है। जो भ्रूण बनने वाला है इस युग्मन से, उसकी जो बाह्य सबसे बाहर की त्वचा जो होगी उसका निर्माण कौन करेगी? ये बाह्य त्वचा जन या डर्मेटोजन। और आठ कोशिकाएं फिर से इसके अंदर होती है। आठ कोशिकाओं की एक और त्वचा होती है जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक अंतः त्वचा जन भी कहते हैं। भाई ये सबसे बाहर की ओर जो हो जाएगी वो तो बाह्य त्वचा जन हो जाएगी, और इसे हम कहेंगे अंतः त्वचा जन। क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा जन के अंदर फिर से आठ कोशिकाओं की एक त्वचा बनती है, एक लेयर बनती है, या हम ये कहें कि एक भित्ति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, अंतः त्वचा जन। ये जो दिखाई दे रही है ये अंतः त्वचा जन। इस अंतः त्वचा जन से क्या बनेगा? ये अंतः त्वचा जन जो है वो आगे जाकर किसका निर्माण करेगी? तो ये बीज पत्र आधार का निर्माण करती है, बीज पत्र के भरण विभाजक का निर्माण करती है, और किसका निर्माण करती है? ये प्राक एदा तंत्र का निर्माण करती है। बाह्य त्वचा जन यानी डर्मेटोजन तो किसका निर्माण कर रही है? भ्रूण की बाह्य त्वचा का। और जो अंतः त्वचा जन है, जो इसके अंदर आठ परितीय कोशिकाओं की बनी है, वो किसका निर्माण करेगी? बीज पत्र आधार का, बीज पत्र के भरण विभाजक का, और किसका निर्माण करेगी? प्राक एदा तंत्र का निर्माण करेगी, यानी कैम्बियम का। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुई, हमने बात किसकी की? ये हमने बात की शीर्षस्थ कोशिका की। अब हम देखते हैं आधारीय कोशिका। ये जो आधारीय कोशिका होती है इसमें कौन सा विभाजन होता है? इसमें होता है अनुप्रस्थ विभाजन। कौन सा विभाजन हो जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन। और ये किसकी तरफ होती है? तो ये बीजांड द्वार की तरफ होती है। इस आधारीय कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप सात से दस लंबी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, निलंबक। क्या कहेंगे हम इसे? निलंबक कोशिकाएं कहेंगे। आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप सात से दस लंबी कोशिकाएं, ये जो कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, सात से दस होती है ये, हमने अभी कम बना रखी है, तो सात से दस कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, निलंबक कहते हैं। क्या कहेंगे? निलंबक कहेंगे। इस निलंबक का जो, निलंबक जो है उसका जो आधारी भाग होता है, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है, ये फूल कर मोटा हो जाता है। ये देखिए ये कैसा हो जाता है, फूल कर मोटा हो जाता है, और ये किसका काम करता है? चुष्कांग का काम करता है। किसका काम करेगा? चुष्कांग का काम करेगा। अभी हमने इससे पहले जो जस्ट पहले टॉपिक पढ़ा था भ्रूणपोष का, भ्रूणपोष हमने टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भ्रूण कोश जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये हमने बात की थी कि जो भ्रूण कोश होता है वो भ्रूण को क्या कार्य करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। भ्रूण को पोषण तो प्रदान कर रहा है, लेकिन वो भ्रूण इससे पोषण किसके थ्रू लेगा? पोषण लेने के लिए भी इसमें कोई संरचना होनी चाहिए। तो भ्रूण उससे, भ्रूण कोष से पोषण किस थ्रू लेगा, ये किस संरचना के द्वारा लेगा? तो वो लेता है चुष्कांग। चुष्कांग क्या है? निलंबक की आधारीय कोशिका जो कि फूल कर कैसी हो गई है, मोटी हो गई है, इसके थ्रू ये जो चुष्कांग होगा वो भ्रूण कोष से क्या करेगा, पोषण लेगा। ठीक है, जो निलंबक है जो है इसका जो भ्रूणीय सिरे की तरफ जो कोशिकाएं होंगी उनसे किसका निर्माण होगा? हाइपोडर्मिस का निर्माण होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अधस्फीति का। क्या कहेंगे? अधस्फीति का, अधस्फीति का कहा जाएगा, जो कि कहाँ होगा? ऊपर की तरफ, भ्रूणीय सिरे की तरफ इसका जिसका सिरा होगा उसका, वो किसका निर्माण कर लेगी? हाइपोडर्मिस या अधस्फीति का निर्माण कर लेगी। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होगा, जो शीर्षस्थ कोशिकाएं होंगी, जितनी भी शीर्षस्थ कोशिकाएं होंगी वो पुनः विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण करेगी?
पुनः विभाजन के फलस्वरूप जो भ्रूण होगा उससे कैसे निर्माण होगा उसका। सबसे पहले तो इनके अंदर क्या होगा, कोशिकाएं जो है विभाजन करेगी, जिससे भ्रूण जो होगा वो पहले तो गोलाकार बनेगा। पहले तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, गोलाकार हो जाएगी। फिर इसकी आकृति जो होगी वो हृदयाकार हो जाएगी। हृदय के आकार का ये भ्रूण जो है बनेगा। यहाँ पर हृदय की आकृति हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, इनमें से जो है दो पालियों का निर्माण होगा। दो पालियों का निर्माण होगा जिससे किसका निर्माण होगा, बीज पत्र का। इस प्रकार से दो पालियों का निर्माण होता है जिससे किसका निर्माण होता है, बीज पत्र का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो बीज पत्र है इसके अंदर इस प्रकार से खांच पाई जाती है और इसी से जो है प्रांकुर, यहाँ पर जो ये बीज पत्र जो होगा, सॉरी भ्रूण जो होगा उसमें जो सबसे ऊपर का, यहाँ से ऊपर ऊपर का जो सिरा होगा वो तो किसका निर्माण करेगा, वो प्रांकुर का निर्माण करेगा। और जो इसके नीचे का जो भी भाग होगा वो किसका निर्माण करेगा, मूलांकुर का निर्माण करेगा। जो प्रांकुर होगा इसी से पौधे के जो बाहरी वायव्य भाग जो होंगे, यानी कि इसी से जो है प्रांकुर का निर्माण होगा, या प्रांकुर से आगे का जो वायव्य भाग होगा उसका निर्माण होगा। और जो बाकी जो मूलांकुर है उससे किसका निर्माण होगा, मूल का निर्माण होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से ऊपर का जो सिरा होता है, ऊपर जो प्रांकुर की साइड का जो सिरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीज पत्रों परिक। और जो इसका नीचे का जो सिरा होता है उसे हम कहते हैं बीज पत्राधार। क्या कहेंगे, बीज पत्राधार। इसी बीज पत्राधार से ही किसका निर्माण होता है, मूलांकुर का। मैं पहले बताना भूल गई थी कि पहले बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरिक का निर्माण होता है। ये बीज पत्रोपरिक जो ऊपर के जो सिरा दिखाई दे रहा है, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बीज पत्रोपरिक, इससे किसका निर्माण होता है, प्रांकुर का। यानी प्रांकुर का ये फॉर्मेशन करता है, प्रांकुर बनता है इससे। और ये जो बीज पत्राधार है इससे किसका निर्माण होता है, मूलांकुर का। मूलांकुर से क्या किसका निर्माण हो जाएगा, मूल का निर्माण हो जाएगा। और प्रांकुर से आगे जो वायव्य भाग होंगे उनका इससे निर्माण हो जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।